एकता समन्वय सामंजस्य की भावना को आपने स्पष्ट पर रेखांकित कर दिया। अगले क्रम पर बहुत ही यशस्विता के साथ हमारे एसपी साहब, सीओ साहब, एआईसीसी मेंबर क्रांति जी, हमारे साथ इस वार्ड के पार्षद ऋषि शास्त्री जी और हमारे बीच अन्य सभी वर्ष में प्रवेश कर चुका है, पूरी तरीके से युवा हो अवस्था में पहुंच गया है। आज पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल है। जश्न का माहौल इसलिए है कि हर व्यक्ति के चेहरे में मुस्कान है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि हमारे प्रदेश के मुखिया श्री भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की सभ्यता, छत्तीसगढ़ की अस्मिता की पहचान न केवल इस देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने बनाई है। आप देख लीजिए, किसानों के चेहरे में खुशी की लहर दौड़ रही है, युवाओं में जो रोजगार प्राप्त हो रहा है विभिन्न योजनाओं के माध्यम से युवा लोग प्रसन्न हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई गई है और स्वास्थ्य योजनाएं इस प्रदेश में संचालित की जा रही है। इन सब को देखते हुए हम कह सकते हैं कि आज हमारा छत्तीसगढ़ बहुत तेज़ी से विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। मैं प्रदेश के जनप्रतिनिधियों का भी धन्यवाद देता हूँ और प्रशासनिक अधिकारियों का भी, जो राज्य सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं और क्रियान्वयन जब कर रहे हैं तो आज ही आप देख रहे थे कि किसान राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 1500 करोड़ रुपए की राशि तीसरे किस्त के रूप में छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के खाते में डाली है। इस तरीके से तीसरी किस्त के रूप में 4500 करोड़ रुपए पहुंच गए हैं और 1 दिसंबर से धान की खरीदी होगी, 105 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होगी। यह अपने आप में रिकॉर्ड है, इसके पहले ऐसा रिकॉर्ड नहीं बना था। इसका श्रेय जाता है हमारे किसानों को, अन्नदाताओं को और प्रदेश के मुखिया को। राज्योत्सव में उत्सव का माहौल है और ये अवसर ऐसा अवसर होता है जिसमें हम अपने ज़िले की जो प्रतिभा है, ज़िले की जो गौरव है उसको पुरस्कृत कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं। हमारे ज़िले के जो मूक बधिर स्कूल के बच्चे हैं वो लोग अपने आप का परफॉर्मेंस कर रहे हैं। इसके साथ साथ बहुत दिनों बाद बच्चों को अवसर मिला अपनी प्रतिभा दिखाने का, तो मुझे लगता है कि यदि छोटी बड़ी बातें हो भी जाती हैं तो उसको भूल के ज़िले के गौरव को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर और प्रदेश स्तर पर